हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू, सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से क्लच मास्टर सिलेंडर को रिपेयर करने वाले हैं। ये क्लच मास्टर सिलेंडर एल्युमिनियम का है, जो कि टाटा 709 जी BA6 में लगा हुआ है। आइए दोस्तों इसको रिपेयर करते हैं। इसके पार्ट नंबर को देखते हैं कि इस क्लच मास्टर सिलेंडर के अंदर कौन सा पार्ट नंबर का किट लगा हुआ है। तो आइए चले सिलेंडर खोलते हैं। सिलेंडर खोलने के लिए पहले आगे से बोनट खोल के इन चार बोल्टों को खोल के इस क्लच सिस्टम को पूरे को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस ब्रैकेट से सिलेंडर को खोलने के लिए इस पहले बोल्ट को खोल के इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद इस 13 mm के बोल्ट को दोनों खोल के सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। तेरह नंबर का बोल्ट अब खुल चुका है। अब इस सिलेंडर को बाहर निकाल के इसके बूट को हटाकर इसका लॉक निकाल के पिस्टन को बाहर निकाल लेंगे। सिलेंडर का लॉक निकल चुका है। अब इसमें से पिस्टन को बाहर निकाल लिया है। सिलेंडर से पिस्टन निकल चुका है। अब इसको अच्छे से सफाई करके इसमें किट को डालते हैं। इस सिलेंडर के किट का रिप्लेसमेंट पार्ट नंबर है 7259। इस किट के डिब्बे को खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें कंप्लीट पिस्टन किट जो एल्युमिनियम का है, लॉक, ग्रीस और बूट, इसका पार्ट नंबर है 7259। सिलेंडर की अच्छे से सफाई हो गई है। अब इसमें अच्छे से ग्रीस को लगा के इस पिस्टन को क्लच सिलेंडर के अंदर फिटिंग करेंगे। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया है। तो इसके अंदर क्लच घुंडी और लॉक को लगाकर इस सिलेंडर को फिटिंग करेंगे। हमारी किट बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब इस सिलेंडर को इस ब्रैकेट के अंदर फिटिंग करेंगे। इस सिलेंडर को इस ब्रैकेट के अंदर फिटिंग करेंगे। इसकी कंप्लीट फिट करने के बाद अब इसको गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे। सिलेंडर अच्छे से कस चुका है। अब इस ब्रैकेट को गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे। इस सिलेंडर ब्रैकेट को अब गाड़ी के अंदर फिट करके चारों बोल्ट को कस के इसके अंदर पाइप को लगा के उसके बाद इस क्लच की एयर को निकालेंगे ताकि गियर आसानी से लग सके। क्लच मास्टर सिलेंडर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर ब्रेक ऑयल को डाल के इसकी हवा निकालेंगे। इसका ब्रेक ऑयल
रिकमेंडेड डॉट फोर है। क्लच कैन के अंदर ब्रेक ऑयल को फुल कर दिया है। अब इस 10 mm के निप्पल से हवा को निकालेंगे। 2-3 बार दबा के रखने के बाद इसको हल्का सा ढीला करेंगे और हवा को निकालेंगे। जब अच्छे से तेल आने लगे तो समझ लें कि हवा निकल चुका है। उसके बाद गियर को लगा के चेक करें। क्लच का हवा निकल चुका है। अब क्लच पेडल को चेक करते हैं। क्लच पेडल हमारा सही काम कर रहा है। थोड़ी बहुत अगर हवा रह गई हो तो इसको फिर से दोबारा से हवा निकालेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा क्लच मास्टर सिलेंडर का काम पूरा हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।